session 2 on warm-up workout. Hi, I am Jani Ekta, Tanna English Medium School, Gondal, your sports coach. So students, how are you? What is work today? Yes, today workout is warm-up exercise. Now, the three moves we'll be doing today. Standing, knee to elbow, यानी अपने हाथों की कोहनी से पैरों के घुटनों को टच करना है। हमारा पहला वार्मअप है जो हम शुरुआत करेंगे। पहले हम अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी जगह रख देंगे, फिर अपने दोनों हाथों को सिर के पीछे रखना है, एक के ऊपर एक। फिर अपने राइट हैंड के एल्बो से लेफ्ट लेग की नी को टच करना है, फिर ऑपोजिट साइड यानी लेफ्ट एल्बो से राइट नी को टच करना है। कम से कम आपको 60 सेकंड यानी 1 मिनट तक कंप्लीट करना है। आपसे जितना हो सके उतना ही करना है। वार्म अप को एंजॉय करते करते हमें वर्कआउट कंप्लीट करना है। रिलैक्स, जितनी स्पीड में आप वर्कआउट कर सके उतनी ही स्पीड में वर्कआउट करना है, ना तो थोड़ा कम ना तो थोड़ा ज्यादा, ठीक है। अब हम हमारे सेकंड मूव्स यानी कि दूसरे मूव्स की ओर चलते हैं। कोई भी आप एक्सरसाइज करे तो दोनों एक्सरसाइज के बीच में कम से कम 10 सेकंड तक अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, रिलैक्स होने देना है, फिर ही दूसरा वार्म अप स्टार्ट करना है, ठीक है। अब हम हमारे दूसरे मूव्स की ओर चलते हैं। ये मूव्स के लिए पहले हम साइड हो जाएंगे, दोनों हाथों को आगे की ओर झुका के ग्राउंड को टच करना है। सो स्टूडेंट्स, थोड़ा याद करो तो ये एक आसन हुआ कि नहीं हुआ? जब हम सूर्य नमस्कार कर रहे थे तब उसमें ये आसन आया था, पर्वतासन, ठीक है। फिर अपने दोनों लेग को बारी बारी आगे की ओर लेना है, 1 by 1, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ये भी आपको कम से कम 60 सेकंड यानी 1 मिनट तक कंप्लीट करना है। पहले धीरे से स्टार्ट करना है, फिर हो सके उतनी ही स्पीड बढ़ानी है, जितनी हो सके उतनी ही बढ़ानी है, ये आपको खास ख्याल रखना है। बॉडी को ज्यादा कष्ट न पहुंचे उसका भी आपको ख्याल रखना है। रिलैक्स, आपको सभी मूव सभी एक्सरसाइज एंजॉय करते करते ही कंप्लीट करनी है, ठीक है। जो भी आप वार्म अप करें उसको पहले आपको दिमाग में रखना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, उसके बाद ही आपको वार्म अप स्टार्ट करना है। दोनों वार्म अप के बीच में 10 सेकंड तक बॉडी को रिलैक्स भी करना है। अब हम हमारे तीसरे मूव की ओर चलते हैं। इसके लिए हम लेट जाएंगे। दोनों पहले दो मूव क्या थे तो के स्टैंडिंग मूव थे, अब लेट जाना है। दोनों हाथों को सीधा रखना है, दोनों पैर भी सीधे रखने हैं, फिर धीरे से दोनों पैरों को 60 डिग्री तक ऊपर उठाना है, फिर दोनों लेग्स को 1 by 1 अप डाउन करना है। अपने लेग्स को ग्राउंड को टच नहीं करवाना है, सिर्फ ऊपर ही 1 by 1 अप डाउन करना है। स्टार्टिंग स्लोली एंड गेट देन लिटल फास्ट, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। कीप योर मूविंग्स लेग अप एंड डाउन, कीप योर लेग स्ट्रेट एंड कीप मूविंग, रिलैक्स। वापस मूल स्थिति में आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की वार्म अप आपको कैसी लगी? हमारे आदरणीय मधु सर, प्रिंसिपल वर्मा सर
और चंदू बाबू के मार्गदर्शन के अनुसार ये वीडियो आप तक पहुंचाया है। आपको वार्म अप वर्कआउट करना है, ओके? सो कीप वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो, कम सून, बाय बाय, थैंक यू।